वेलकम फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं कलर कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर पेंटर हैं तो ये जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके लिए खूब सारे दोस्तों ने कमेंट किए हैं, तो आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं कलर कॉम्बिनेशन कैसे करें। लेकिन उससे पहले मैं चंदन कुमार के कमेंट का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि इन्होंने कई बार कमेंट कर चुके हैं कि ब्रैकेट को सर्कल में आसानी से कैसे रोटेट करें। तो ब्रैकेट हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सर्कल में बहुत ही आसानी के साथ आप रोटेट कर सकते हैं। कई वीडियो में मैंने रोटेट करके दिखाया भी है। तो आइए ब्रैकेट को मैं रोटेट कर लेता हूँ। टेक्स्ट टूल सेट करेंगे और मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल के सेंटर में बिल्कुल गाइडलाइन लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर गाइडलाइन लगा देता हूँ और इस ब्रैकेट को मैं और करीब में लाता हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक सेंटर पॉइंट आ जाता है। सेंटर पॉइंट को सर्कल के बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। उसके बाद मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ और माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करते हैं, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देते हैं तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है, और फिर कंट्रोल आर से रिपीट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने आसानी के साथ आप ब्रैकेट को सर्कल में रोटेट कर चुके हैं। एक बार मैं इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूं और इन सभी ब्रैकेट को मैं डिलीट कर देता हूं, केवल एक ब्रैकेट रखेंगे और इसकी साइज मैं छोटी करता हूं और सीधा भी कर लेता हूं। लेकिन ये सीधा भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये सेंटर पॉइंट अभी यहाँ पर है, तो मैं पहले ब्रैकेट के सेंटर में लगाऊँगा और फिर मैं इसको रोटेट करता हूँ। उसके बाद दोबारा इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर रखता हूँ सर्कल के बिल्कुल सेंटर में। अब मैं फिर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ट्रैक करता हूँ उस हैंडल से, और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देते हैं, एक डुप्लीकेट हो जाता है, और फिर कंट्रोल आर के साथ मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो तरीके से ब्रैकेट को सर्कल में रोटेट कर दिया है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब मैं कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्लेट इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलर बिल्कुल मैच कर रहा है। इसमें चार कलर हैं, चार के चार कलर बिल्कुल मैच कर रहे हैं, चाहे ये हो या फिर ये, सभी मैच कर रहे हैं। मैं एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर ले रहा हूँ। अब इसमें मैं फिल करता हूँ रेड कलर, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कलर फिल करना होगा। इससे लाइट कलर, तो मैं इसमें केसरिया कर लेता हूँ, तो ये कलर देखने में अच्छा लगेगा। अगर यहीं पर मैं ग्रीन कलर इंसर्ट करता हूं तो ये उतना बेहतर नहीं लग रहा है। मैं ग्रीन के साथ ब्लू कर लेता हूं तो थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। अगर यहीं पर ब्लू के साथ मैं कर लेता हूं श्याम तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए कलर व्हील का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेता हूं, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11। जैसे मैंने F11 प्रेस किया, एडिट फिल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है यूनिफॉर्म कलर का, और इसमें आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसको पहले ऑप्शन को मैं समझता हूँ। यहाँ से अगर इस पॉइंट को मैं नीचे के साइड ला रहा हूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं नीचे वाला ये पॉइंट्स ऊपर की साइड ले जा रहे हैं तो इसका कलर कुछ इस तरीके से। मैं इसी का इस्तेमाल करके मैचिंग कलर बनाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, अब ओके कर देंगे, इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे और फिर से F11 प्रेस करेंगे यूनिफॉर्म, और इस बार इसको मैं और ऊपर की साइड कर देता हूँ। इसी का एक और डुप्लीकेट और फिर से F11 और इस बार और ऊपर साइड कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरीके से आप मैचिंग कलर यहाँ से बना सकते हैं। इसी का एक डुप्लीकेट और कर लेते हैं और फिर से F11 प्रेस करेंगे, और इस बार मैं कलर व्हील से समझता हूँ। इसमें अलग अलग पॉइंट आप सेट करके देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, लाइट और डार्क। अब मैं इसको कलर व्हील से समझता हूँ। इस सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको मिल जाता है हुस में कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी, कम्प्लीमेंट, ट्रायंगल। तो मैं पहले यहाँ पर समझता हूँ प्राइमरी कलर को। प्राइमरी में आपको सिंगल ऑप्शन मिल जाते हैं, आप सिंगल इस तरीके से
सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप परसेंटेज भी देख सकते हैं, आप चाहें तो उसको अपने ध्यान में रखें कि हमें कौन सा कलर यूज करना है। तो इस तरीके से प्राइमरी का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको कॉम्प्लीमेंट में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें दो कलर एक साथ सेलेक्ट करेगा। इसी प्रकार से आप सभी ऑप्शन को यूज करके देख सकते हैं। ये पेंटागन है और वेरिएशन में आपको यहाँ पर मिल जाता है कई कलर, जैसे वार्मर। अगर इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ पर चला जाता है। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं और अलग अलग कलर भी बना सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि हमें कई कलर फिल करना हुआ, जैसे ग्रीन फिल किया तो उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, तो इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डार्क, लाइट, उससे लाइट, फिर उससे लाइट, इस तरीके से आप इसका यूज करें। अगला ऑप्शन मैं देख लेता हूँ। यहाँ से आपको कुछ बने बनाए कलर मिल जाते हैं, जैसा कि आपको चाहिए 50% ग्रे तो यहाँ से डायरेक्ट 50% कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ऑरेंज कलर चाहिए तो ऑरेंज से यहाँ पर हो जाता है, और गोल्डन चाहिए तो गोल्डन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ गोल्डन, जी हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर भी आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा कलर कहाँ पर यूज करें, तो आप सिंपली गूगल में टाइप करें कलर कॉम्बिनेशन, तो आपको खूब सारे तरीके से कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप किसी एक को कॉपी कर लें और उसके बाद कोरल ड्रा में सिंपली आप इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल सेट करें और इस कलर को पिक कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ आप कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मैं कलर कॉम्बिनेशन को कुछ वेबसाइट के जरिए भी समझ लेता हूं। तो यहां पर मैंने ओपन कर लिया है कलर कैलकुलेटर। ये लगभग जो मैंने कोरल ड्रा में कलर का यूज़ किया उसी तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको दो कलर का ऑप्शन मिल जाता है, आप रोटेट करके दो कलर मैचिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप अंदर की साइड ले जाएंगे तो ये कलर लाइट होगा, और बाहर की तरफ लाएंगे तो ये कलर डार्क हो रहा है इस तरीके से। अगला ऑप्शन इसमें और करीब से सेलेक्ट करेगा इस तरीके से, दो कलर मैचिंग सेलेक्ट कर रहा है। अगला है थ्री, ये तीन कलर सेलेक्ट कर रहा है, और इसी प्रकार से लास्ट में देख लेता हूँ ये फोर कलर है, तो इसमें आपको चार कलर सेलेक्ट करके दे रहा है। बाहर की तरफ लाएंगे तो बिल्कुल डार्क कलर आपको मिलेगा। और एक ऑप्शन नीचे के साइड लॉक का है, यहाँ से मैं टिक को हटा देता हूँ तो आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर लॉक कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप और भी कलर ऐड कर सकते हैं, तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे कलर ऐड हो जाता है। एक बार मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो फिर एक कलर और ऐड हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल सेम प्लेस पर इंसर्ट हुआ है। इसको मैं सेट कर लेता हूँ, पहले अनलॉक यहाँ से हटा देता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर, और फिर लॉक कर देते हैं। अब आपके पास सिक्स कलर हो गए हैं, आप इसको मैचिंग कलर बना सकते हैं इस तरीके से, लाइट और डार्क। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है गेट कलर स्कीम, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कलर के साथ साथ आपको परसेंटेज भी देखने को मिल जाता है, RGB, CMYK, HEX। इस कोड को आप कॉपी पेस्ट करके भी इस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो RGB का कलर ये है और ये CMYK का कलर है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेबसाइट के ज़रिए भी कलर मैचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप रेगुलर वर्क करेंगे तो इन सब की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, स्वयं से ही आपके दिमाग में कलर फीड हो जाएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।